बीजेपी कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी की जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अलग अलग काम करते हैं, 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान। मगर ये सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं, आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाई। वनवासी शब्द हिंदुस्तान के आदिवासियों का अपमान है, आप पर आक्रमण है, आपकी संस्कृति पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी अलग अलग भाषाओं पर ये शब्द आक्रमण है। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे, किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही 2 तरीके हैं और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद, नहीं, सीधी सी बात है, या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो।
और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाते हैं, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ, जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं, और जो भी हम करते हैं हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात, मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने वायदा किया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सही बात है? सही बात है ना? आज क्या रेट है? आज 2500 है क्या? कितना ज्यादा? कितना है? 2640। और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2640 है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2500 का, और आने वाले समय में जाके वो 3000 तक पहुंचेगा। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। अब इसका क्या फायदा है? सबसे पहले किसानों की मदद होती है, मजदूरों की मदद होती है। अब जब किसान के जेब में पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल गांव में करता है, गांव में वो अपना पैसा डालता है, कुछ खरीदता है, और पूरी गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को देते हैं 2500 प्रति क्विंटल, लाखों किसानों को हमने जो दिया, वही पैसा बीजेपी अदानी को दे देती है। क्या अदानी अपने पैसे को गांव में डालता है? क्या अपने अदानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है? क्या नहीं, अदानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है, बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं। बिजली बिल हमने हाफ क्यों किया? बिजली बिल हमने हाफ किया, आपके जेब में पैसा आया, वही पैसा जो आपने बचाया उसको आपने खर्च किया। कहां खर्च किया? गांव में खर्च किया, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी। छोटे छोटे शहरों में खर्च किया, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो यह हमारी सोच है। अब देखिए, बीजेपी ने एक नई चीज चलाई है। बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी की जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं
कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। यह सच्चाई आप जानते हो और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया, जाति जनगणना का भाषण था, तो मैंने आंकड़े निकाले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं, यह आंकड़ा आप सुन लीजिए और देश के सब ओबीसी युवाओं को यह सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात, आपके रोजगार की बात हो रही है। तो जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। मैंने ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, आंकड़ा रखा था, बीजेपी के लोग चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। वही लोग जो ओबीसी की सरकार चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत होइए, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी सरकार को नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये सरकार को असलियत में चलाते हैं, सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, सेना को कितना पैसा मिलेगा, वायुसेना को क्या मिलेगा, भोजन के अधिकार में क्या जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, सारे से सारे निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 90 लोगों में से जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, सारे के सारे निर्णय लेते हैं, इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? भाइयों और बहनों, 3। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है, 45 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से ये 3 अफसर सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम, पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अलग अलग काम करते हैं, 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते।
ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है, और यह बात हर ओबीसी युवा को समझनी होगी। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं, और पहला कदम आपके लिए, पहला कदम जाति जनगणना है। उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा ओबीसी की आबादी, सच्ची आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषण में यह बात नहीं उठाते। प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में, जो टीवी पे देख रहे हैं ओबीसी युवा, आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो, चिल्ला के पूछो, नरेंद्र मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? ये सवाल आप पूछिए, ओबीसी युवा आप पूछिए, आपके भविष्य की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। मैंने पिछड़ों की बात की, मैं आदिवासियों की भी बात करना चाहता हूं। अब देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाइयों। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे, मतलब ये जो पूरी की पूरी जमीन है, उनके ओरिजिनल मालिक जो इस देश में पहले रहते थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इस शब्द का मतलब, इस शब्द के अंदर छुपा हुआ मतलब कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, और आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, जो उनका जल है, जो उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसके हक आदिवासियों को मिलनी चाहिए, मिलने चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के पुराने पहले मालिक हैं। ये है आदिवासी शब्द का मतलब। वनवासी का दूसरा मतलब है। वनवासी शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। वनवासी शब्द यह नहीं कहता है
कि आपको हक मिलना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब यह है कि भैया आप लोग जंगल में रहते हो, यह फर्क है दो शब्दों में। वनवासी शब्द हिंदुस्तान के आदिवासियों का अपमान है, आप पर आक्रमण है, आपकी संस्कृति पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपके अलग अलग भाषाओं पर यह शब्द आक्रमण है। सच्चा शब्द आदिवासी। अब आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी क्या करती है? आपने देखा होगा कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा पर बीजेपी के एक नेता ने पेशाब किया, आपने देखा, वीडियो देखा आपने। यह इनकी सोच है। हमने क्या किया, हम पैसा कानून लाए, आपकी जमीन पर आपको अधिकार दिया, और पैसा कानून और आदिवासी बिल में साफ लिखा था कि अगर आपको आदिवासियों से जमीन लेनी है तो बिना ग्राम सभा से पूछे आप जमीन नहीं ले सकते। यह सबसे जरूरी बात, मतलब चाहे वो कोई भी हो, अदानी हो, कोई भी हो, अरबपति हो, अगर उसे आदिवासियों से जमीन लेनी है तो आदिवासियों से पूछकर, ग्राम सभा से पूछकर परमिशन लेकर जमीन ली जा सकती है, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ा काम था। बीजेपी ने क्या किया, यह जो परमिशन लेने की जरूरत थी, ग्राम सभा से परमिशन लेने की जरूरत थी, इसको उन्होंने रद्द कर दिया। पैसा कानून और आदिवासी बिल को उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन नहीं ली जा सकती, क्योंकि हम यहां खड़े हैं, सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, हम सब खड़े हैं, नहीं ले सकते। मगर बाकी देश में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आदिवासियों से, गरीबों से बिना परमिशन लिए जमीन छीन लेती है। अब देखिए हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4000 रुपए करने जा रहे हैं। आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जंगल में उगते हैं, उसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा हम एमएसपी देने जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, बहुत जरूरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो हिंदी की बात करते हैं, कहते हैं हिंदी सबसे जरूरी भाषा है, और कहते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी जरूरी भाषाएं नहीं है। हमारी सोच अलग है, हम कहते हैं हिंदी भी जरूरी है, छत्तीसगढ़िया भी जरूरी है, और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में बातचीत करनी है तो आप छत्तीसगढ़िया की का प्रयोग करोगे, अगर आपको यूपी में बात करनी हो आप यूपी जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तो हिंदी काम आएगी, और अगर आप
बाकी दुनिया के लोगों से बात करना चाहो, कोई टूरिस्ट आए उससे आप बात करना चाहो, कोई बड़ी कंपनी का मालिक अमेरिका से आए उससे आप बात करना चाहो तो फिर अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप जहां भी जाओ आप भाषा का प्रयोग कर पाओ और उसका फायदा उठा पाओ। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी बीजेपी के नेता से आप पूछ लीजिए जो स्टेट से 24 घंटा कहते हैं कि भैया अंग्रेजी खराब है, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए, आप उनसे एक सवाल पूछिए। तो आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि आप हिंदी कितनी बात करते हो, आप अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हो, एक बात बता दो, आपके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं हां या ना, और सारे के सारे बीजेपी के नेता चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग जो 24 घंटा हिंदी 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 बोलते हैं और कहते हैं कि गरीबों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, ये सारे के सारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग के वर्ग हैं, दलित लोग के वर्ग हैं, वो बाकी दुनिया से बात ना कर पाए, बाकी दुनिया की सच्चाई उनको ना समझ आ जाए, बाकी दुनिया के साथ वो बिजनेस कभी ना कर पाए, इसीलिए ये लोग अंग्रेजी को नहीं चलाना चाहते, सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं मगर आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। इसीलिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप क्वालिटी के अंग्रेजी स्कूल खोले हैं कि गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को हिंदी, छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी सिखा पाए। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसको हम KG to PG कहते हैं। KG to PG के वायदे में KG से लेकर PG तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं, और जो भी वो करते हैं वो हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, सबसे अमीर लोगों के लिए करते हैं। देख लीजिए, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, GST से आपको फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, किसान के जो कानून लाए थे उससे आपको फायदा हुआ, नहीं, अदानी को फायदा हुआ। तो यह फर्क है, और जो भी हमने यहां वायदे किए हैं उनको हम पूरा करके दिखा देंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी हमने आपको कहा है वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।